रिमोट कंट्रोल सिस्टम। देखिए, जो रिमोट कंट्रोल यूनिट होती है, सिस्टम होता है, उसमें डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं। टोटल 5 टाइप के फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले होता है वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन। सेकंड, थर्ड होता है हम चैनल को सिलेक्ट कर सकते हैं उसके थ्रू। फोर्थ होता है कलर को अप कर सकते हैं और कलर को डाउन कर सकते हैं। फिफ्थ, कलर डाउन होगा। तो हम रिमोट कंट्रोल से टेलीविजन सिस्टम में चेंजेस कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट हमारे पार्ट्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले होता है रिमोट कंट्रोल बॉक्स जो होता है, यानी कि ट्रांसमीटर जो होता है। ये क्या करता है, ट्रांसमिटिंग बॉक्स होता है, जिसे बोंगर या क्लिकर भी बोलते हैं। इसमें पुश बटन्स लगे होते हैं, नॉर्मल जो हमारे रिमोट्स होते हैं उसमें। ट्रांसमिटिंग यूनिट में क्या होता है, मैकेनिकल जो हमारी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल नेचर दोनों होते हैं। इसमें अल्ट्रासोनिक साउंड्स वेव जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो 40 kHz की होती है। और इससे क्या होता है कि जो ट्रांसड्यूसर है उसको पिक करते हैं एक पीजो इलेक्ट्रिक माइक्रोफोन के थ्रू, जो कि रिसीवर पे यानी कि टेलीविजन पे लगा होता है माइक्रोफोन। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अराउंड 40 kHz तक की होती है। और ये जो वेव्स जो रिमोट से प्रोड्यूस होती हैं वो रूम की वॉल्स तक ही सीमित रहती हैं, यानी कि रूम की वॉल से वो टकरा के वापस आ सकती हैं। और इसमें बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि वो किसी दूसरे रूम के सिस्टम से, टेलीविजन से इंटरेक्ट करें, ऐसा नहीं होता। यानी कि वो उसी रूम में रहती हैं। इसको हैंडल करना बहुत इजी होता है, बैटरी के थ्रू ये चलता है। नेक्स्ट, इसमें स्पीकर लगा होता है जिसे वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ट्रांसमीटर जिसे बोंगर, यानी कि ये जो रिमोट ट्रांसमीटर है इसे बोंगर भी बोलते हैं। देखिए, इसमें क्या होगा कि इसमें अलग अलग सिलेंड्रिकल एल्यूमिनियम रोड्स होती हैं, जिसकी डिफरेंट डिफरेंट लेंथ होती है। और हर एक रोड अलग बटन के साथ कनेक्टेड होती है और एक फ्रंट पैनल प्रोवाइड करती है रिमोट कंट्रोल बॉक्स के थ्रू। ये बटन को कंट्रोल करती है कि जब बटन को पुश किया है और उसको कंट्रोल करती है। और स्पीकर से क्या होती हैं, वेव्स जो कि सिग्नल वेव्स होती हैं वो जनरेट होती हैं। और जो हमारी इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज अलग अलग की चीज़ की अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। जैसे कि चैनल जिसकी फ्रीक्वेंसी हो गया वो 37 kHz से 44 kHz के बीच में होती है। और ये फ्रीक्वेंसी अलग अलग सिस्टम के लिए यूज़ की जाती है। 41.25 kHz जो कि चैनल सिलेक्शन के लिए यूज़ होती है, 37.75 जो कि वॉल्यूम अप करने के लिए यूज़ होती है, और 43.25 kHz जो कि वॉल्यूम डाउन करने के लिए यूज़ होती है। और यहाँ पे माइक्रोफोन लगा होगा, माइक्रोफोन जो कि पीजो इलेक्ट्रिक माइक्रोफोन होता है, ये पिकअप ट्रांसड्यूसर होता है, नॉर्मली पीजो इलेक्ट्रिक माइक्रोफोन इसे बोलते हैं। और नेक्स्ट, इसका जो सेक्शन होता है वो इंटरसेप्ट एंड सिग्नल प्रोसेसिंग सर्किट होता है रिसीवर पे। और इसके बाद मैकेनिकल ड्राइव और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किट होता है। ये जो सर्किट होता है मैकेनिकल ड्यूल जो कि रिलेज के साथ कनेक्टेड होती है, जो मोटर और गियर ट्रेन्स होती हैं वैसे इसमें रिलेज होती हैं। और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डीसी वोल्टेज का यूज़ किया जाता है जो कि फंक्शंस को कंट्रोल करता है, उसे वैरी करता है, यानी वॉल्यूम, कलर कंट्रोल, चैनल को सिलेक्ट करना, इन सबको का यूज़ करता है। और डीसी कंट्रोल चैनल सिलेक्शन जिसमें वेक्टर ट्यूनिंग होती है, यानी कि यहाँ से डिफरेंट फंक्शन जो कि वॉल्यूम ट्यूनिंग और कंट्रोल का फंक्शन परफॉर्म करेगा मैकेनिकल ड्राइव और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किट के थ्रू। और यही हमारा रिमोट कंट्रोल सिस्टम होता है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।